यह हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं बसपा अध्यक्ष मायावती का। दलित बहुजन समाज बड़े ही गर्व के साथ देखता है कि उनके समाज की एक बेटी इस तरह से जब हेलीकॉप्टर में बैठती है जाती है तो वो सम्मान वो प्यार वो उनके प्रति रखते हैं और वही गौरव का पल है, वो अनुभूति लोगों को होती है और वो उसको महसूस करते हैं कि उनके समाज की बेटी है, उनके समाज की महिला है। उड़ान भर के ऊपर गया और समर्थक भी उसके साथ ही जो हैं। बसपा अध्यक्ष मायावती का हेलीकॉप्टर फिलहाल यहां पर पहुंचते हुए और अभी हेलीपैड पर लैंड करते हुए, ये हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं बसपा अध्यक्ष मायावती का। तो ये बसपा अध्यक्ष मायावती का हेलीकॉप्टर जो है लैंड कर चुका है यहाँ पर और यहाँ से बसपा अध्यक्ष मायावती का हेलीकॉप्टर लैंड हो चुका है और इसी हेलीकॉप्टर से अभी थोड़ी देर में बसपा अध्यक्ष मायावती बाहर निकलेंगी और फिर वो मुख्य रैली स्थल पर जाएंगी जहाँ पर रैली होनी है। इसी अंदाज में बहन जी अपने रैली स्थल पर पहुँचती हैं और अपने समर्थकों को संबोधित करती हैं। हेलीकॉप्टर अपनी जगह पर पहुँच चुका है, हेलीपैड पर लैंड कर चुका है और बसपा अध्यक्ष मायावती अब यहाँ पर उतरेंगी और सुरक्षा की जो गाड़ी है वो अभी पहुँचेगी। ये देखिए एनएसजी के जो कमांडो हैं वो हेलीकॉप्टर के पास पहुँच रहे हैं क्योंकि जो सुरक्षा का घेरा है वो बनाया जाता है बसपा अध्यक्ष मायावती के पास में। ये गाड़ी जो है पहुँच रही है, बहन जी को सीधे हेलीकॉप्टर से उतार के गाड़ी में बिठाया जाता है और उस गाड़ी से सीधे वो फिर रैली स्थल पर पहुँचती हैं। बीच में किसी तरह का कोई सुरक्षा से समझौता ना हो इसलिए सीधे स्थल पर ही जो है वो रैली स्थल पर ही जो है वो गाड़ी पहुंच जाती है। देखिए हेलीकॉप्टर से जो सीढ़ियां हैं वो उतारी जा रही हैं और दूसरी तरफ से जो हैं बेंजी का भी वो उतरेंगी यहाँ पर। बसपा अध्यक्ष मायावती अब जैसे ही बाहर आएंगी तो उनको सीधे गाड़ी में यहाँ पर बिठाया जाएगा, उसके बाद वो यहाँ से सीधे रैली स्थल पर जाएंगी। जो एनएसजी के कमांडो हैं वो हमेशा मुस्तैद रहते हैं उनकी सुरक्षा में क्योंकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, सुरक्षा से कोई खिलवाड़ ना हो, इसलिए पूरी मुस्तैदी से वो तैयार रहते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ में, ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ में वो लोग तैयार रहते हैं और एक जो सुरक्षाकर्मी है जिनके हाथ में वो बैग नुमा चीज़ आपको दिखती है, आपको लग रहा होगा कि वो शायद बैग है, दरअसल वो एक बुलेट प्रूफ शील्ड होती है जो खुल जाती है जिसमें अगर किसी तरह से कभी कोई नुकसान हो तो उससे बुलेट प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। देखिए अब हेलीकॉप्टर से बसपा अध्यक्ष मायावती जो हैं वो बाहर हो रहे हैं। बसपा अध्यक्ष मायावती हेलीकॉप्टर से जैसे ही बाहर निकलें तुरंत उनको गाड़ी में बिठा दिया जाता है। वहीं पर देखिए इस गाड़ी में बसपा अध्यक्ष मायावती जो हैं वो बैठ गई हैं और सुरक्षा का जो घेरा है उनके चारों तरफ बना के सुरक्षाकर्मी साथ साथ चलते हैं, यानी हेलीकॉप्टर से जैसे ही वो बाहर निकलती हैं तुरंत उनको गाड़ी में बिठा दिया जाता है और फिर वो गाड़ी सीधे रैली वाले स्थल पर जाती है ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो और पूरी सुरक्षा के इंतज़ाम किए जाते हैं। आप देखें एनएसजी के जो कमांडो हैं वो साथ साथ चलते हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए जाते हैं, किसी तरह की कोई एंट्री नहीं होती, चारों तरफ पुलिस वाले हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं ताकि किसी भी तरह की कोई गतिविधि ना हो। बेंजी गाड़ी में बैठ के तुरंत जो हैं वो रैली स्थल पर पहुँच रही हैं और अब इसी पर जगह से वो रैली वाली जगह पर जाएंगी और वहीं पर एक कमरा उनके लिए बनाया जाता है रैली के बिल्कुल पास में जहां पर बसपा अध्यक्ष मायावती रुकती हैं और वहां से वो कुछ समय विश्राम करती हैं और सीधे फिर जो स्टेज बना हुआ है स्टेज वाली जगह पर वो जाती हैं। वे अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं,
बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। तो ये बसपा अध्यक्ष मायावती अब यहाँ से रैली ख़त्म करने के बाद में जाते हुए इस गाड़ी में बसपा अध्यक्ष मायावती जो है वो जा रही हैं हेलीकॉप्टर की तरफ, और दूसरी तरफ जो उनके समर्थक हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं बसपा अध्यक्ष मायावती को देखने के लिए। बड़ी संख्या में उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं उनके समर्थकों में यहाँ किस तरह से दीवानगी है उनको देखने के लिए, और वो बसपा अध्यक्ष मायावती को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर में चढ़ती हैं यहाँ पर नारे उनके समर्थन में लगाए जा रहे हैं। देखिए ये व्यक्ति किस तरह से बसपा का कलर नीला अपने बदन पर रंगाए हुए हैं, BSP लिख के आए हैं, और बसपा अध्यक्ष मायावती इस समय जो हैं वो हेलीकॉप्टर में बैठ चुकी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके समर्थकों का जोश आई है, बसपा अध्यक्ष मायावती का जो सुरक्षा घेरा है वो वहाँ पर एकदम मुस्तैद है, और उनके प्रति दीवानगी भी लोगों में देखने को मिलती है कि जो समर्थन है उनके प्रति वो दीवानगी यहाँ देखने को मिलती है। लोग उनको देखने के लिए यहाँ पर आते हैं और उनके समर्थन में यहाँ नारे लगा रहे हैं, जय भीम के नारे के साथ में, BSP के समर्थन के साथ में नारे लगाते हुए यहाँ पर लोग जो हैं वो इकट्ठा हैं, और बहन जी को अलविदा कहने के लिए लोग आए हैं, क्योंकि बहन जी ने यहाँ पर अभी रैली जो है वो की है और अब वो यहाँ से जा रही हैं। NSG कमांडोज का जो घेरा है देखिए वो हेलीकॉप्टर से अब थोड़ा दूर हट रहा है, क्योंकि अब जैसे हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियाँ घूमना शुरू करेंगी तो उसको एक जगह चाहिए होती है, इसलिए जो NSG कमांडोज हैं जो बहन जी की सुरक्षा में लगे रहते हैं वो हेलीकॉप्टर से दूर हो रहे हैं, और जो हेलीकॉप्टर के जो अभी पायलट हैं उन्होंने देखिए हेलीकॉप्टर को शुरू किया, और यहाँ से अब हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरने की तैयारी शुरू की, और इस तरफ समर्थकों का जोश जो है वो आई है। समर्थक जो हैं वो उनको बाय करके अपना प्यार जाहिर करते हुए बसपा अध्यक्ष मायावती का जो हेलीकॉप्टर है वो इस समय यहाँ से जाने की तैयारी पे है, और जो समर्थक हैं वो यहाँ उनको देखने के लिए आए हैं। दलित बहुजन समाज बड़े ही गर्व के साथ देखता है कि उनके समाज की एक बेटी इस तरह से जब हेलीकॉप्टर में बैठती है जाती है तो वो सम्मान वो प्यार वो उनके प्रति रखते हैं, और वही गौरव का पल है, वो अनुभूति लोगों को होती है और वो उसको महसूस करते हैं कि उनके समाज की बेटी है, उनके समाज की महिला है जो इस पद पर पहुंची, इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही और इतने बड़े पद पर पहुंची, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के मान्यवर कांशीराम साहब के विचारों को आगे बढ़ाया, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया, इसके प्रति जो प्रेम है जो भाव है वो समर्थकों में भी देखने को मिलता है, और वही एहसास अनुभूति यहाँ पर लोग करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बहन जी को देखने के लिए लोग यहाँ पर आए हैं, तो इस समय बहन जी का जो हेलीकॉप्टर है वो उड़ान के लिए तैयार है। उन्होंने यहाँ संबोधित किया अपने समर्थकों को, और यहाँ जो उनके समर्थक हैं वो जो हैं उनको अलविदा कहने के लिए आए हैं, इकट्ठे हो गए हैं देखने के लिए, हाथों में नीले झंडे हैं, जय भीम का नारा लगाते हुए बसपा के जो झंडे हैं वो लिए हुए हैं, और वो उनको अभी अलविदा कहने आए हैं क्योंकि बहन जी अब यहाँ से जाने को तैयार हैं। जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उड़ान को भरने से पहले की वो तैयारी की जा रही है, चारों तरफ समर्थक जो हैं वो
हैं, यहाँ बड़ी संख्या में लोग हैं, सुरक्षा की गाड़ियाँ हैं, पुलिस की गाड़ियाँ हैं, चारों तरफ देखेंगे समर्थकों का घेरा है जो उन्हें देखने के लिए आया हुआ है। ये एक हेलीपैड यहाँ पर बनाया गया है, टेम्प्रेरी हेलीपैड है ये, और यहीं पर जब आप देखते हैं इस तरह की रैलियाँ जब होती हैं बहन जी की, तो इसी तरह से तैयारियाँ की जाती हैं, उनकी सुरक्षा के साथ है जो तमाम इंतजाम है वो किए जाते हैं, और जो समर्थक हैं वो भी उनको देखने के लिए, देखिए किस तरह से जो है वो अभी उनका जोश जो है यहाँ पर हाई है। इस तरफ हेलीकॉप्टर जो है उड़ान भर रहा है और इस तरफ समर्थक जो हैं वो उनको अलविदा कहने के लिए जोश उनका हाई है। जय भीम के नारों के साथ बहन जी के हेलीकॉप्टर को उड़ता हुआ देखते हुए उनको जय भीम बोल के बाय कर रहे हैं, और ये हेलीकॉप्टर जो है अब यहाँ से उड़ान भर के ऊपर गया और समर्थक भी उसके साथ ही जो हैं उनको अभिवादन करते हुए। तो इस तरह से बसपा समर्थक के प्रति, बसपा अध्यक्ष मायावती के प्रति अपने समर्थन को जाहिर करते हुए ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। बसपा अध्यक्ष मायावती ने यहाँ अपने प्रत्याशी को जिताने का दावा किया है और उनके समर्थन में वोट भी मांगे हैं। इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, जो वो जिस तरह से ग्रैंड एंट्री वो करते हैं उस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम साथियों। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।